यस स्टार्ट करते हैं एनडीए 1 2018 पेपर सॉल्यूशन। इस पेपर सॉल्यूशन में ऑब्जेक्ट ये है कि आप किस तरह से पेपर्स में, क्योंकि अभी आपके पेपर आने वाला है नेक्स्ट वीक में ही, कमिंग वीक में ही पेपर है आपका, तो इन 3-4 डेज में, और अभी जो पिछले पेपर मैंने डिस्कस किए थे क्विक रिविजन का एक ही पर्पज था कि आपको 120 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना पहले वो आना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये क्विक रिविजन लिए मैंने और इसीलिए पेपर्स के सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो जैसे अभी 2016 पेपर का भी सॉल्यूशन किया था, उसमें आप में से कुछ लोगों ने कंप्लेन भी की थी ब्राइटनेस पर, ट्राई करेंगे इस बार ना आए, कि उस टफ पेपर में भी हमने 60+ क्वेश्चन निकाले थे और यही कोशिश इस पेपर में भी करना है। तो जब कभी पेपर आए, क्योंकि आपको संडे को एग्जाम देना है, तो उसके पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए कि कोई भी पेज में नॉर्मली पर पेज अगर आप देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं। अब इन 6 क्वेश्चन में ये बात बिल्कुल पक्की कि हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन टफ हो और बाकी 3-4 क्वेश्चन इजी हो सकता है कोई पेज ऐसा हो जिसमें 6 में से 4 क्वेश्चन टफ हो, 2 इजी हो। यानी 120 क्वेश्चन में पहले आपका ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि किस तरह से हम 60+ क्वेश्चन को टारगेट कर पाएं। 60+ का मतलब है, इनफैक्ट 50+ का मतलब होता है कि हम एग्जाम में बहुत अच्छे से क्रॉस कर लेंगे, कट ऑफ निकल जाएगा, पर 60+ मतलब हो गया आप बहुत ही एक अच्छा स्कोर करेंगे। यही बात आपको जीएटी में करना है, यही मैथ्स में करना है, तो इस पेपर के साथ हम आपको डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि क्वेश्चन को देख के थॉट्स और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना ये आना चाहिए। जैसे देखिए, अब अगर इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, जो भी क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा उसको छोड़ते हुए चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगर 1 देखेंगे आप, तो क्या है, इफ एन बिलोंग टू एन, जैसे ही ये पढ़ा अब आपको बोला 121 पावर n -25 पावर n +1900 पावर n -4 पावर n इज डिविजिबल बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि अगर आप लॉजिक से भी करें तो कर सकते हैं कि अगर n की प्लेस पे 1 ले लिया आपने, राइट, n के प्लेस पे अगर आपने 1 ले लिया तो 121 प्लस 4 कितना होता है 125, और 125 में से 25 गया तो बचा कितना 100 प्लस 900 यानी 200। तो ये किससे डिविजिबल होगा, 200 से, यानी ये कहलाता है लॉजिक। तो ये पेपर का डिस्कशन मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आएगा कि आप टफ पेपर हो या इजी पेपर हो, हर पेपर में, एटलीस्ट एनडीए के हर पेपर में 60+ अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपकी टेक्निक्स राइट रही। तो वो टेक्निक्स ही आपको डेवलप करनी, तो इसका क्या आंसर हुआ, 2000। कैसे, फिर समझिए कि एन की वैल्यू आपने रखी 1, तो जब 1 रखी तो 121, अब मेंटली करने वाला क्वेश्चन था ये 1900, ये -1 रखा तो +4 हो गया। तो अब आप एन की अगर वैल्यू बड़ी ले लोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करें कि मिनिमम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मैं ट्राई करूंगा कि 60+ क्वेश्चन आपको समझाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन थे जो फेवरेबल थे, जिनमें टाइम कम लगेगा। बस इसके लिए बेसिक क्लियर होना जरूरी है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना जरूरी है, और 11th-12th के बेसिक टॉपिक्स के आना जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम आए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ एन इक्वल टू फैक्टोरियल 2017, राइट। अब ये बिल्कुल लॉग की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, क्वेश्चन तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपकी पहली स्टेप क्या होगी वो बताता हूँ। ये 2n है, ये 1/log base 3n है, यानी ये बेस में वैल्यू बढ़ती जा रही है, लॉग लास्ट है 2017n, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1। क्यों होगा 1, अब समझें, बिकॉज यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 217, 2 से लेके 217 तक फैक्टोरियल 217, n भी वही है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 मिलेगा। अब मैंने इसमें क्या किया होगा, एक बेसिक प्रॉपर्टी लगी है, लॉग बेस ए बी इक्वल टू होता है लॉग बी अपॉन लॉग ए, राइट, यानी बेस चेंजिंग। अगर ये 1 अपॉन लिखा है, जैसे ये देखें, तो ये क्या लिखा है, 1/log base 2n, जिसको आप लिख सकते हैं लॉग एन अपॉन लॉग 2, तो इसका मतलब लॉग 2 ऊपर जाएगा, लॉग एन नीचे आएगा, और सभी में लॉग एन नीचे आएगा, और ऊपर ऐसा मिलेगा आपको लॉग 2 बाय लॉग एन। ये समझाने के लिए स्टेप लिखिए, आपको नहीं लिखना है, log 3 अपॉन log n, ऐसा चलता जाएगा और लास्ट में मिलेगा log 2017 अपॉन log n, राइट। अब आपको सेकंड प्रॉपर्टी, तो मैं आपको बोलूँगा कि जैसे log है, log की बेसिक प्रॉपर्टी पूरी मैथ्स में यूज होती है, बहुत अच्छे से क्लियर रखो जिससे आपको उसका फ़ायदा मिले। अब log m प्लस n क्या होता है, log m प्लस ऑफ log n, इसका मतलब मैं चाहूँ तो इनको ऐसा भी लिख सकता हूँ, log 2 3 अप टू 2017 अपॉन log n, राइट। अब 2017 अब 1 का मल्टीप्लाई तो कहीं पे भी हो सकता है। अच्छा, n का मीनिंग क्वेश्चन में ही दिया हुआ था फैक्टोरियल 2017, इसका मतलब ये भी फैक्टोरियल 2017 है, ये भी 17 है, यानी दोनों कैंसिल,
तो करेक्ट आंसर वन। जबकि अभी देखिए मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही लिया। नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि जो सेट आपको मिलता है उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन टफ होते हैं, इसलिए रखते हैं कि साइकोलॉजिकली हम पे उसका बहुत असर पड़ता है। तो आप हमेशा पहले ये देखिए कि कौन से क्वेश्चन सिंपल हैं, क्वेश्चन टफ हैं, और उन सिंपल क्वेश्चन को पहले कर लो। जहां एक बार आप 40-50 क्रॉस कर गए, आप मान के चलो कट ऑफ तो क्लियर होगा, स्कोर भी अच्छा होगा, एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। 80-90 तक भी पहुंच सकते हो अगर आपकी टेक्निक्स प्रॉपर हुई तो, बिल्कुल मैं श्योर हूं कि आप 90-100 तक भी कर सकते हो। पर पहला टारगेट होना चाहिए कि कैसे 60 प्लस राइट पे हम अप्रोच करें। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है समझिए, और जो प्रीवियस पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो जो क्विक रिवीजन किया है वो जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आप में से अभी बहुत सारे लोग अभी अभी जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी कुछ समय पहले से भी पढ़ना स्टार्ट किया, तो भी ये 60 क्वेश्चन का पर्पज ही यही है कि आप मिनिमम 60 क्वेश्चन को टारगेट तो कर सकते हैं इजीली। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। क्वेश्चन थर्ड ये कहता है, इन द एक्सपांशन 1 + x^43, इफ द कोफिशियंट ऑफ 2r + 1 टर्म एंड r + 2 टर्म आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ r। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 1 + x^n का डायरेक्ट एक्सपांशन में जो बोला है वही होगा। जैसे इसका क्या होगा, 43 2r, ये होगा 43 c r + 1। एंड रिमेंबर NCx = NCy हो तो n = always x + y होता है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं 43 = 2r + r + 1, देन 42 = 3r, देन r = 40, राइट। मतलब आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कितने स्ट्रांग है कंसेप्चुअली वो इंपॉर्टेंट है। 1 + x^n में डायरेक्टली याद रखिए tr + 1 टर्म NCr x^r ही होता है, तो ये आपके हमेशा काम आएगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला है। क्वेश्चन फोर्थ में बोला है, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ 1 - iota। मैं एक चीज बोलूंगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट जब भी बोले, अगर आपने मेथड से किया तो इसको गलत होने से कोई नहीं रोक सकता। मेथड मतलब मेथड के साथ साथ इसमें कंसेप्ट भी लगते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए क्या, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हाईएस्ट मिस्टेक हो सकती है। अब सबसे पहले हम समझें कि इसका आंसर लोग नॉर्मली ए लगाते हैं। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बता रहे हों तो कॉम्प्लेक्स नंबर को उस कोऑर्डिनेट में लेके जाओगे जब भी सही होगा, अदरवाइज उसका आंसर ऑलवेज रॉन्ग होगा। आप समझो कि ये -1 - iota, इसका मतलब कोऑर्डिनेट थर्ड है, और थर्ड कोऑर्डिनेट का एंगल π/4 नहीं हो सकता, -π/4 नहीं हो सकता। थर्ड कोऑर्डिनेट है तो यूं जाओगे क्लॉकवाइज, जो निगेटिव एंगल होगा तो एक ही आंसर हो सकता था। यानी अभी आपने सॉल्व भी नहीं किया, आपने आंसर बता दिया। और आर्गूमेंट पे हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है आर्गूमेंट पे क्वेश्चन, और आर्गूमेंट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो मैंने लिखा z = x + iota y, एंड इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती, पोलर फॉर्म होती है r (cos θ + iota sin θ). जो जो चीज़ें बेसिक से आपको पढ़ाई उन सबका अगर आपने अच्छे से रिविजन कर लिया, हर क्वेश्चन बनेगा। आर क्या होता है, √x² + y² एंड थीटा इज tan−1 y/x। जब हम इसका लिखते हैं -1 - r का, तो समझिए क्या प्रॉब्लम होती है। ये इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड होता है, तो हम जब इसमें रखते हैं तो होता ये है -1 / -1, और ये हो जाता है 1, और tan−1 देख के बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हम π/4 लिख देते हैं। और देखिए ऑप्शन π/4 दिया भी इसलिए है, और जहाँ आपने π/4 लिखा वो मिस्टेक होगी। जब ये पेपर था मैक्सिमम लोगों ने, इनफैक्ट जब मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था तो सर +π/4 होगा, तो मैंने एक ही बात बोली थी, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन करो, आर्गुमेंट पूछा जाए तो आपको कोऑर्डिनेट पे जाना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल श्योर हूँ कि जो 60-70 क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से कम 20-25 क्वेश्चन विदाउट सॉल्विंग, कोई स्टेप नहीं लिखना, केवल कंसेप्ट से आप बता सकते हो कि सर इसका तो, मैं बल्कि श्योर हूँ कि इसका केवल यही ऑप्शन हो सकता है। मतलब 3 ऑप्शन रिजेक्ट करने के आपके रीजन थे कि फर्स्ट जो चीज़ थर्ड कोऑर्डिनेट में, उसका आंसर π/4 - π/4 नहीं हो सकता, और थर्ड क्वाड्रेंट में है, और क्लॉकवाइज जब भी मेजर करते हैं नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज जब भी करते हैं पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये अगर यहां से यहां तक जाएंगे तो ये हो नहीं सकता, यानी हम 100% श्योर थे। और जिस क्वेश्चन को लॉजिक या कंसेप्ट से हम सही आंसर दे सकते हैं, उसका कई बार मैथड से रॉन्ग आंसर आता है। सोचिए आप,
इसलिए आपको मल्टी डायमेंशन होना चाहिए, यानी हर एंगल पे आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए कि क्वेश्चन जैसे भी आए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अपने आप को आंसर दे पाओ। तो अब यहां पर जैसे ही ये वन लिखा आया आपने लिख दिया पाई बाय फोर, पर ये रॉन्ग हो गया। अच्छा यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, अब इसी के साथ दो चार क्वेश्चन और समझो कि वन प्लस आयोटा होता तो आप लिखते थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन वन, और इस समय पाई बाई फोर ही बोलते। आप क्यों बोलते पाई बाई फोर? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो यहां पर ये क्वाड्रेंट थर्ड है, एंगल पाई बाई फोर ही बना, पर मेजर या तो ऐसे होगा या ऐसे। नॉर्मली जीरो एंगल जब भी मेजर करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट लेते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट जीरो से पाई होता है और जीरो से माइनस पाई होता है। तो अब जब यहां से यहां तक आएंगे तो माइनस थ्री पाई बाई फोर इसका राइट आंसर होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं इसको ऐसा लिखा रहने दो, प्लस वन मत बनाओ नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ माइनस ऑफ थ्री पाई बाई फोर। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, फिर जब हम बाद में पेपर चेक करते हैं हमको पता चलता है 60 अटेम्प्ट किए 30 रॉन्ग हो गए। रॉन्ग क्यों हुए? ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स है, ये कहलाती है कंसेप्चुअल मिस्टेक। इसके लिए आपका बेस यानी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जब ही ये मिस्टेक्स आपसे दूर हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। यानी आपको पढ़ना ऐसे चाहिए कि जिसका बेसिक हर चीज का क्लियर हो तो आप हर तरह से आंसर दे सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, इसमें ये कैसे पता चलता है जो पूछा ना तुम कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले तो थर्ड। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अब ऐसा होगा, ये 45 बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, वो तो लीस्ट एंगल होता है, ये 45 ये बन गया। अब या तो यूं मेजर करोगे या ऐसा, ऐसा गए तो एंटी क्लॉकवाइज गए, क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो कितना ये 90 और ये 45 135, तो माइनस 3 पाई बाई 4। ऐसा जाते तो पाई प्लस पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 होता ना, तो 5 पाई बाई 4 ऑप्शन है, और होता भी ऑप्शन तो फिर ये नहीं होता। और ये दोनों अगर होते मान लो थोड़ी देर के लिए, तो हमें अक्सर प्रिंसिपल आर्गूमेंट पे जाना होता तो ये देते। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होता है, जिसमें माइनस पाई एक्सक्लूड है प्लस पाई इंक्लूड है। यही इन्हीं को बोलते हैं कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट बिल्ड कर लिए तो कोई रीजन नहीं है कि आपको एग्जाम में कोई पीछे कर दे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स देखें, क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं है पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं बोलूंगा इसको बाद में आओ। यही चीज अगर आपने यहां पर ले ली, यानी आपको डिसीजन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस समय क्या डिसीजन लेना, जबकि दोनों सिंपल क्वेश्चन है बट डिसीजन पावर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी करा तो आपसे हो सकता है एक क्वेश्चन के चक्कर में दो क्वेश्चन कम हो जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना ले लो जिससे दो क्वेश्चन कम हो रहे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेवन देखें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस से पढ़ाया हो मैंने आपको, तो उसी कंसेप्ट को यूज करो। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन, देखिए क्या है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 5, 6, 7, 8, 9 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। अब हमें पता है 100 एंड 1000 के बीच के नंबर 101 से स्टार्ट होंगे और 99, तो इसका मतलब 3 डिजिट नंबर ही लेना, और सिंपल रिपीटेशन नॉट अलाउड जो फंडामेंटल प्रिंसिपल बताया था उससे करिए। सीधा सीधा कितना 6, 5 एंड 4 कितना हो जाएगा 120। तो करेक्ट आंसर हुआ ये, इसमें लेना है आपको 5, 6, 7, 8, 9 तो सॉरी 5 नंबर है तो 5, 4, 3 तो 60। अब ऐसा जैसे मैंने अभी बाई चांस 6 गिन लिया, ऐसी भी कई बार मिस्टेक हो जाती, तो इन सब चीज़ों में केयरफुल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, आप हो या मैं हूँ कहीं से भी हो सकती है, वो ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब देखिए 8 क्या है, और इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पहले अगर आपने 50-60 क्वेश्चन को रीच कर लिया, फिर बचे हुए टाइम में जितने हो जाए वो बोनस है आपके लिए, वो ऑब्जेक्ट हमेशा पेपर में रखो। अब देखो ये बोला है द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नॉन जीरो वर्ड यूज किया है, मतलब जो आप सॉल्यूशन बता रहे हैं वो
नॉन जीरो। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे लॉजिक से देखो तो इसका अंडर रूट क्या होगा, 1+4 यानी ये 5 पावर x है, ये भी ये 5 पावर x/2 है। अब x/2 कभी x के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, अनलेस एंड अंटिल x की वैल्यू क्या रख दो, जीरो। अगर x की वैल्यू जीरो रख दूं तो 5 पावर 0 1 5 पावर 0 1। बट अब यहां पर क्वेश्चन का कीवर्ड है, इसमें की है द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब जो जीरो ना हो वो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है, तो इसका मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसलिए ऑप्शन ए में उन्होंने बहुत ध्यान से एक वर्ड लिखा है, जीरो और ब्रैकेट में लिखा है नो सॉल्यूशन। कई लोग इसमें मिस्टेक से 1 आंसर दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। क्यों 1 दे सकते हैं? लोग बोलेंगे 1 इसलिए कि सर x की वैल्यू 0 रख दी, सेटिस्फाई कर रही है, मैं भी कह रहा हूं कर रही है, पर उसके ऊपर क्वेश्चन में लाइन क्या खींची है, क्वेश्चन की लाइन क्या है कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये मिस्टेक्स वाले, ये जो इजी क्वेश्चन होते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक भी वही होते हैं, डेंजरस, उन्हीं में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, उन मिस्टेक को समझना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 9th। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, इफ द रेशियो ऑफ, क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर a/b इज, a/b के कितने दिए, 5:3, देन आपसे पूछा a/b क्या होगा। आप लॉजिक से भी कर सकते हैं, आप लॉजिक से भी कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन दिया a 3/5, b दिया है 2/9, c दिया है 9/1 और d दिया है 5/3। आप सोच के बताओ अरिथमेटिक मीन क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, समझो। अरिथमेटिक मीन होता है a+b/2, ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab। अब ये 5:3 है, थोड़ा लॉजिक सोचो कि नंबर का सम 5 जब ही मिलेगा जब मल्टीपल ऑफ 5 यानी 10, 15 आ रहा हो, और ये 3 है यानी कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर होना चाहिए। इसमें से एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो ये बता रहा है, देखो लॉजिक से, 9 और 1, क्यों, 9+1 कितना 10 और 10/2 कितना 5, 9 × 1 कितना √9 और √9 का स्क्वायर रूट 3। करना नहीं है सॉल्व, लॉजिक समझ में आया कि आपने पेन भी नहीं उठाया, यही नंबर क्यों होगा अगर ए को मैं 9 ले लूं और बी को क्या ले लूं 1, या इस रेशियो में ले लो, आप इसको डबल भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा सर ए 18 ले लिया और बी मैंने 2 ले लिया, चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। क्यों चलेगा, क्योंकि इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा बोलो, 20/2 10, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा 18 × 2 36 का 6 और 10/6 कितना 5/3। तो आपको हमेशा लीस्ट नंबर मानना होता है, तो आपने एक ही सेकंड में ऑप्शन से बता दिया। ये 3 ऑप्शन रिजेक्ट करने के आपके पास बहुत लॉजिक है, रीजन 5+3 8 8/2 4, कहानी खत्म, 2+9 11, बात खत्म, 5+3 8, यानी आप सिंगल आंसर्स दे सकते हैं और पेपर ऐसे ही मिलते हैं, पेपर कुछ अलग नहीं आते हैं हर साल, और हर पेपर में क्वेश्चन छुपे होते हैं, उनको ढूंढना है, उनको ढूंढ लिया अपने आप क्वेश्चन होने लगेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, और क्वेश्चन देखते जाइए पेपर में आप लोग भी, और साथ में सॉल्व करते जाइए, जो आपके तरीके हैं उनको थोड़ा सा चेंज करेंगे, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से आपने साल भर पढ़ा है, पूरे कोर्स में भी इसी ढंग से सारी चीज कवर हुई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, समझिए, इफ द कोफिशियंट ऑफ a^m and a^n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+a^m+n आर अल्फा एंड बीटा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। आपको कुछ ऑप्शन ऐसे दिए, α=2β, α=β, 2α=β और α=2, ये मैंने केवल इसलिए लिखे, अब ये क्वेश्चन आपने अभी किया था, कौन सा क्वेश्चन नंबर, ध्यान करिए, थर्ड
1 + x^43। देखिए क्वेश्चन तक सेम आ रहे हैं। अब इसमें a पावर m मतलब मैंने अभी बताया क्या होगा, बोलो m प्लस n c m, ये अल्फा है। और a पावर n क्या होगा, m प्लस n c n, ये क्या है, बीटा। अब आपको देख के समझ में आ गया अल्फा इक्वल टू क्या है, बीटा। क्यों है, क्योंकि एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, एन सी एन माइनस आर। इसको इससे माइनस किया तो ये आ गया रिजल्ट, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th क्या क्वेश्चन है समझिएगा, और देखिए आप क्वेश्चन आपको लाइन से बनते जा रहे हैं। अभी तक हमने 11 क्वेश्चन में केवल 2 क्वेश्चंस को स्कैप किया, यही एक इंपॉर्टेंट चीज। जब इस पेपर में ऐसे हैं, किसी पेपर में स्टार्टिंग में टफ मिलेंगे, किसी में बाद में टफ मिलेंगे, एक बार अच्छा बेस बनाओ, फाउंडेशन बनाओ, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई चालू करो, आपको कैसे नहीं होंगे पेपर, बिल्कुल होंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ एक्स प्लस लॉग बेस 15 वन प्लस 3 पावर एक्स इक्वल टू, हो सकता है देखने में लगे क्वेश्चन टफ है पर देखिए कितना सिंपल है, लॉग बेस 15 5 प्लस लॉग बेस 15 12 वेयर एक्स इज एन इंटीजर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए इसको हम लॉजिक से भी कर सकते हैं, कैसे बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर लिखा है एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स बोली है, क्या होगी अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है लॉग बेस ए ए इक्वल टू 1। तो अगर यहां पर मैं x की जगह सपोज 1 ले लूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं log 15 15, x की वैल्यू मैंने ली 1 और 1 की जगह मैंने ये लिख दिया। क्यों लिखा है मैं बताता हूं उसका रीजन। अब देखिए सभी उसी ढंग से log 15 1 प्लस 3 की पावर x यानी 3 की पावर 1, राइट। यहां पर भी आपने 1 ले लिया, अब देखिए बेस सेम है तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 12 5 जा 60 और 15 4 जा इज ऑल्सो 60, लॉक से लॉक कैंसिल तो सेम आ गया। यानी आप इस क्वेश्चन को इजीली ऑप्शन से कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 ही क्यों लिया, उसका रीजन एक सिंपल सा है, क्योंकि ये 1 लेने से हमारे पास इस वाली प्रॉपर्टी से वैल्यू बढ़ जाती, तो लॉग एन पावर एम ये फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा। तो आपने क्या करा, इसमें ऑप्शन लेके करा, जल्दी हो गया। मेथड से करते थोड़ा बल्कि टाइम लग सकता था। देखिए अगर आप यहाँ 3 लेते तो क्या होता, 27 प्लस 1 28 कुछ बन नहीं रहा था, इसलिए अगर यहां पर मैं 1 रखूं तो ये कितना हो रहा है 60, अब ये भी देखो 60 हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हुआ 1। तो कई क्वेश्चंस को आप अलग अलग तरीके से लॉजिक बेस पे कर सकते हो। अब लॉग की बहुत अलग से जो मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज बताई उन पे बेस्ड ही क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्वेश्चन है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर डिविजिबल बाय टेन कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 5 0 6 7। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। कैसे, डिविजिबल बाय टेन नंबर के लिए यूनिट प्लेस पर केवल एक ही नंबर आ सकता है, वो है 0, यानी यूनिट प्लेस की एक पॉसिबिलिटी हुई। रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन बोला है तो ये 1 2 3 4, यहाँ के लिए कितनी पॉसिबिलिटी 4, then 3, then 2, then answer is 24, then answer is 24, right? Next question पे आते हैं। देखिए next जो question है 2 questions के साथ related है, set theory का question है, question समझते हैं, question tough नहीं है इसलिए पहले round में भी कर सकते थे, और अगर आपको set theory पे perfect command नहीं है तो बाद में भी कर सकते थे। मैंने अभी जब notification दिया तो आपने में से कुछ लोगों ने लिखा था greatest integer या indefinite integral या definite में problem है, वो भी जब question आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा क्या करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13-14 क्या है समझिएगा। इन अ क्लास 54 स्टूडेंट आर गुड इन हिंदी ओनली, 54 स्टूडेंट आर गुड इन हिंदी ओनली, ठीक है, ये हिंदी ओनली बोला है, ये हिंदी हो गया, 54 स्टूडेंट आर गुड इन हिंदी ओनली, 63 आर गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, एंड 41 आर गुड इन इंग्लिश, 41 क्या है एंड 41 स्टूडेंट आर गुड इन इंग्लिश ओनली, ओके, 3 देयर आर 18 स्टूडेंट हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट आर गुड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट। अब देखिए बोला 10 स्टूडेंट आर गुड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, तो 10 तो ये हो गए,
राइट। अब इसके बाद एक और चीज है कि देयर आर 80 स्टूडेंट आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स। हिंदी एंड मैथमेटिक्स वाले कितने 18, हिंदी एंड मैथमेटिक्स वाले 18 है, तो ये मिला 8। अब जो आपको क्वेश्चन बोला है वो आप इजीली बता सकते हैं कैसे। अब देखिए बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स। क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश। नॉट इन इंग्लिश मतलब इसको छोड़ दीजिए, इस वाले को छोड़ दीजिए, तो सीधा सीधा इनको ऐड कर दीजिए। राइट, इनको ऐड करेंगे तो देखिए 54, 8 और 63, बस आपको इसको ऐड करना है, तो इसको ऐड करा तो कितना आ गया 125, देन दिस इज द राइट आंसर। राइट, अब इसके बाद देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश। तो हिंदी एंड मैथमेटिक्स नॉट इन इंग्लिश, तो कितने होगा 8। यानी इस क्वेश्चन का जैसे ही आपने वेन डायग्राम बनाया, देखिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर ये कंसेप्ट के साथ आप पेपर सॉल्व करेंगे तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप 60 प्लस करके आएंगे। इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत ही पॉजिटिव माइंड से ये सोचने की जरूरत है कि अब हम क्या करें। राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड अल्फा इक्वल टू 1, देन व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार। राइट, अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड अल्फा 1 दिया तो क्यों ना अल्फा को 1 मान ले, बीटा को अगर मैं आयोटा ले लूं तो देखिए क्या होगा, यस, तो यहां पर अल्फा को आपने 1 ले लिया और बीटा को सपोज आयोटा ले लिया, तो क्या होगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, पर इन दोनों के मॉड सेम होंगे तो रिजल्ट विल बी 1। तो आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते थे, इनफैक्ट अगर अल्फा मॉड 1 दिया तो आप अल्फा से ही बता सकते थे 1 माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा बार, पर इसका मॉडुलस कैसा होगा, सेम होगा, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 1। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है, सब कुछ इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपसे कि आपके कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, देखिए आप कितने इजीली क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या क्वेश्चन है, देखिएगा द इक्वेशन मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 हैज अ रैशनल रूट एंड इरेशनल रूट, टू रैशनल रूट, टू इरेशनल रूट, नो रियल रूट। अब जब भी मॉड बेस्ड क्वेश्चन आए तो मॉड का एक सीधा लॉजिक होता है कि आप इसको ओपन करें तो प्लस माइनस में कर लें, यानी ग्रेटर देन 1 की कंडीशन होती है, एक बार लेस देन 1 की। इसका ओपन ऐसा होगा, इसका ओपन ऐसा होगा, इसको मॉड x माइनस 1 भी बोल सकते थे आप, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर दिया है, ये होगा x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन 1 पे ये 1 माइनस x होगा। तो आपको यहां पर कंडीशंस बनानी होंगी, उससे ये दो केसेस बनेंगे। जैसे पहला केस आपने लिया सपोज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये मिलेगा x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। राइट, अब देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बन गए प्लस 3 माइनस 2, देन आंसर आ गया 2 एंड माइनस 3, तो ये रैशनल रूट्स हो गए। अब आप चाहो तो 2 रख के भी देख लो, आपने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 15, माइनस 3 रखा तो कितना हो जाएगा। अब देखिए माइनस 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो भी देखना है, तो यहाँ पर माइनस 3 नहीं हो सकता। अच्छा, वैसे भी आपने बायोलॉजिक एक कंडीशन लिखी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो केवल वही रूट लें, ये कंडीशन ऐसे ही नहीं लिखते, इसका रीजन होता है कि इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वही रूट कंसिडर करेंगे, बाकी नहीं। तो यहाँ पर आप केवल 1 को ही कंसिडर कर सकते हैं जो 1 से बड़े, तो इसको गलती से कंसिडर ना कर लें, तो यही एक रूट हुआ। अब दूसरी कंडीशन ली लेस देन 1 की, तो जब लेस देन 1 के लिए मॉड फंक्शन जब क्वाड्रेटिक पढ़ाया था उसमें पूरा कंसेप्ट समझाया हुआ है, तो इसका ओपन 1 माइनस एक्स होगा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। राइट, अब इसके आप फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर नहीं बन रहे, फॉर्मूला मेथड से किया तो 1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 बाय 2, इससे इरेशनल रूट मिल गए। अच्छा, यहां लेस देन बोला तो इसका रूट ये वाला लेंगे, लेस देन 1 वाला। अब आप इसमें बोलेंगे रैशनल रूट एंड इरेशनल रूट, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए चलिए। अब मैं आपके साथ जबकि पेपर स्कैनिंग के साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैंने प्रीवियस पेपर भी जब आपके साथ डिस्कस किया था 16 वाला, जिसे आप सब टफेस्ट बोलते हैं,
उसमें भी यही ध्यान रखा था, सिंपल क्वेश्चन ढूंढूं। इसमें भी मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि मुझे पहले आपको ये बताना लास्ट टाइम में, क्योंकि मुझे पता आप में से कई सारे बच्चे जो ऑनलाइन वाले हैं वो मुझे ऑलरेडी बता चुके हैं कि सर हम अब 80-90 तक पहुंच जाते हैं, पर जो अभी अभी जुड़े उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी अभी जिनमें से जिनके 12th के एग्जाम हुए कवर। अब आपका अगर अभी अभी 12th का एग्जाम हुआ, अब आपको एग्जाम देना, हो सकता है 11th का सिलेबस ना कंप्लीट हो या आपने एनडीए के लिए पढ़ाई नहीं की हो, ऐसे समय में जितना आपको आता है उसके बेस पर आप कैसे 60 प्लस कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है इन सेशंस का, जिसका आप बेनिफिट लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन 17 देखिए क्या है, द बाइनरी नंबर एक्सप्रेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 31 इज, अब 31 का बाइनरी नंबर लिखना है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मेथड से भी कर सकते हैं, आपको पता है कि 2 का डिवाइड करते चलेंगे, जो रिमाइंडर मिलेगा उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाएंगे। अब मैं अगर इसके ऑप्शन से देखूं तो देखिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं, अब आपको भी पता है जैसे इसको देखूं तो ये होगा 8, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 31 लाना है। इसको करूंगा मैं तो क्या आएगा, देखिए 2 की पावर 4 16, पर इसके साथ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से करेंगे तो 2 की पावर 2 यानी 4, ये भी नहीं हो सकता। अब ये नहीं हो सकता तो यहाँ पर देखिए ये आएगा 16 + 8 = 24 + 2, ये भी नहीं है तो बचा ये ऑप्शन है। बाकी मेथड से करते तो क्या होता है, 1 × 2 पावर 4 16, 1 × 2 पावर 3 8, 1 × 2 पावर 2 4 + 2 + 1, ये देखिए दिस इज द राइट आंसर, राइट। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कितने स्पीड में आप आराम से कर पा रहे हैं। व्हाट इज आयोटा पावर 1000, आयोटा पावर 1001, 1002। अब मैंने आपको कई बार ये बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी 4 कॉन्जुगेटिव आयोटा पावर आ जाए तो इसका आंसर ऑलवेज 0 होगा, चाहे पावर कुछ भी हो, बिना सॉल्व करे बोल सकते हैं। यानी आयोटा पावर 4n, 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3 इज ऑलवेज 0। एंड रिमेंबर, वैसे इसमें याद रखिए इसमें 1 मिलता है, इसका आयोटा, इसका माइनस 1, इसका माइनस आयोटा, इस वजह से 0 होते हैं। तो 4 कॉन्जुगेटिव कभी भी मिल जाए, कॉन्जुगेटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर विल बी 0। हर छोटी छोटी चीज़ें मैंने कवर करवाई हैं आपको फाउंडेशन कोर्स में, आप उससे अगर प्रॉपर पढ़े होंगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन ना बने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये फिर से वही दिया, लॉग बेस 2n प्लस 1/log base 3n, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अप टू 1/log base 100n, और बोला है n not equal to 1 लिखना बहुत जरूरी था क्योंकि n 1 हो जाता तो 0 हो जाता और 1/0 नॉट डिफाइंड होता। अब बोला ये किसके इक्वल होगा, सिंपल सा लॉजिक है, फिर से वही बेस चेंजिंग फार्मूला, लॉग बेस ए बी इक्वल टू 1/log base ba बोल सकते हैं एक बात, दूसरा लॉग बेस ए बी होता है लॉग बी बाय लॉग ए, एक ही स्टेप में कर सकते हैं। एक्चुअल में इसको आप लिखेंगे जब बेस चेंजिंग तो आप लिखेंगे लॉग एन बाय लॉग टू। अब देखिए यहाँ पे लॉग टू पर जाएगा, यहाँ लॉग थ्री, यहाँ लॉग फोर, सब में नीचे लॉग एन एलसीएम आएगा, एक ही स्टेप में करने की आदत डाला करिए आप लोग, और ऊपर क्या क्या आ जाएगा, लॉग टू, लॉग थ्री, अप टू लॉग 100, एंड m इंटू n वाले फॉर्मूले से जब करेंगे। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, फिर भी मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि मैं पेपर एनालिसिस के साथ चाहता हूँ कुछ बेसिक क्विक रिवीजन भी हो जाए टॉपिक का, जिससे आपको अच्छे आप स्कोर कर पाएँ। अब यहाँ पर देखिए इनका सबका मल्टीप्लाई हुआ तो 2 × 3 × 100 यानी फैक्टोरियल 100 बन जाएगा ये, अपॉन log n, जिसको हम चाहें तो वापस log n into factorial 100 लिख सकते हैं, यही ऑप्शन ए में दिया हुआ है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर, इतने स्पीड में करना है, इतने ही एनर्जी के साथ पेपर को सॉल्व करना है, जितना हाई लेवल एनर्जी रखेंगे उतना अच्छा है, मिस्टेक कभी भी नहीं होगी, मिस्टेक इसलिए होती क्योंकि हम कंसेप्चुअली कहीं ना कहीं वीक होते हैं, वो चीज़ आपको कवर करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म बोला, मतलब आपको सीधा सीधा पोलार फॉर्म लिखनी है। अब देखिए वहाँ पर भी मैंने आपको रिवाइज करवाया, ये देन अगेन क्वेश्चन रिवाइज हो गया। अब ये चीज़ें अगर आपने पढ़ी होंगी तो आपको कैसे बनेंगे नहीं क्वेश्चन, 100% बनेंगे। अब आर होता है इनका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 2, एंड कॉस थीटा होता है टेन इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, कॉर्डेंट 1 है तो पाई बाई 6, देन 2 टाइम्स ऑफ, वैसे ऑप्शन से हो जाता
क्योंकि हम ऑप्शन से अगर करते, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसको सॉल्व करने पे वापस यही रिजल्ट मिलना चाहिए। मतलब जो ऑप्शन दिए थे उन ऑप्शन को चेक करते समय आप जैसे कॉस पाई बाय सिक्स की वैल्यू होती है रूट थ्री बाय टू, साइन पाई बाय सिक्स की वन बाय टू, टू से टू कैंसिल, देन रूट थ्री प्लस आयोटा इज अ राइट आंसर, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं, पर ये डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, समझिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म इन द एक्सप्रेशन। कभी भी इस तरह का जैसे ये है, इसको कुछ भी सॉल्व नहीं करना, इसमें सीधा सीधा पावर देखिए। अच्छा याद रखिएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n, है ना। प्लस में इवन टर्म आते हैं और माइनस में ऑड टर्म आते हैं। अब इसमें टोटल टर्म मिलेंगे 12, तो ऑब्वियसली 6 इवन 6 ऑड, तो आंसर विल बी 6, आंसर विल बी 6। याद रखिए प्लस में आप ऐसा लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ एन सी जीरो, फिर a पावर n, b पावर 0, एन सी 2, और माइनस में आप अगर बीच में माइनस होता तो आप ऑड टर्म लिखते हैं। तो टोटल टर्म का 50-50 हो गया, 11 पावर है तो आधे आधे हो गए। अब ये अगर आप तरीके यूज कर रहे होते तो देखिए आप किसी क्वेश्चन में उलझ नहीं सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, व्हाट इज द, अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर अमंग द फॉलोइंग। क्वेश्चन 22 है, समझिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर अमंग द फॉलोइंग बाय विच द नंबर 5 पावर 5 7 पावर 5 इज डिविजिबल बाय। अब इस तरह के ऑप्शन दिए, बिल्कुल सिंपल से लॉजिक से करिए इसको, 6 8 11 12 कुछ मत करिए, 5 प्लस 7 कितना होता है 12, तो ये कन्फर्म है कि 12 से तो डिवाइड होगा। आप देखिए कभी भी आप जब ए स्क्वायर प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखते हैं तो एक फैक्टर ए प्लस बी इंटू आता है, तो ए पावर एन बी पावर एन में एक फैक्टर ऐसा भी मिलेगा, तो सीधा सीधा 5 प्लस 7 जैसे ही करेंगे 12, तो आपको आंसर मिलेगा 12, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की, क्वेश्चन 23 में क्या बोला है, एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म, मॉड वाई लेस देन 1 है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। ये इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का समेशन ए अपॉन 1 माइनस आर, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जो बता रहे हैं, इस पर बेस्ट क्वेश्चन हर बार आपको मिलेगा। अब आप इधर x करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन y, तो करेक्ट आंसर हुआ a, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर जब हम 24th पे आते हैं तो 24th में बोला है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स मतलब इसका इनवर्स पूछा है। अब इसको लॉजिक से करेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। लॉजिक क्या कहता है मैं बताता हूं आपको, 0 0 1, इनवर्स का डेफिनेशन ये है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर इस डेफिनेशन पे आप जाएंगे तो एक चीज समझिए, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो केवल इस वन के लिए होगा, कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा 1। अब केवल एडजॉइंट चाहिए यानी ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर्स से मिलेगा। अब आप डायगोनल प्लेस के ही देख लें तो आपके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि वो अपनी जगह आएंगे, तो कॉस थीटा का जब निकालेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा। अब आप ध्यान दें तो दो तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें कॉस थीटा है, फिर जब इसका निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, इसका निकालेंगे तो फिर से कॉस थीटा आएगा। अब ऐसा दो ऑप्शन में कॉस थीटा, राइट। अब इसका भी निकाल लीजिए तो कॉस का थीटा ये आएगा 1, तो ये एक ही ऑप्शन में है, तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। दूसरा, कभी कन्फ्यूजन हो इसका निकाल के देख लीजिए, जैसे इसमें थोड़ा सा हो सकता है, आप इसका निकालेंगे तो क्या होगा, इस रो को इसके साथ जब भी निकालेंगे तो इसका कॉलम और इसका रो आप माइनस कर दीजिए, तो कितना जाएगा, ये जाएगा कॉस थीटा, राइट। पर इसकी पोजीशन क्या होगी, माइनस की, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा, सॉरी जब आप इस साइन थीटा का निकालेंगे तो ये ऐसा मिलेगा, सॉरी ये रो ये खत्म हो जाएगी, इसके साथ निकालेंगे तो साइन थीटा आएगा, पर इस जगह पे आएगा तो माइनस ऑफ साइन थीटा, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, क्लियर है बात। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि जिसका निकालना है उसके साथ सॉल्व करते चलिए, उसके साथ सॉल्व करते चलेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या है, इसका निकाला तो ये और ये डिलीट होगा तो ये मिलेगा साइन थीटा। अब देखिए पूरा कभी भी इन्वर्स मत करिएगा,
आधे से ही काम हो जाएगा, तो आप बस देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट अलग हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। आप देखिए जैसे इसके बाद 25 क्वेश्चन में आपको बोला है ए का ऑर्डर जो है वो 2 × 3 है, एंड ए बी का जो ऑर्डर है वो 2 × 5 है, देन बी मस्ट बी। तो सिंपल है, ए का ऑर्डर आपको पता है 2 × 3 है, बी का ऑर्डर मुझे एक बात कन्फर्म पता है कि 3 × क्या होगा वो अभी बता देता हूँ, और ए बी का ऑर्डर कितना है 2 × 5 आपको पता है, कॉमन चीज़ कैंसिल, तो ये 2 है तो एन ऑब्वियसली 5 होगा, तो इसका मतलब 5 होगा, यानी 3 × 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, राइट, 3 × 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए इसमें लाइन से अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जिसको ज़्यादा स्केप करना हो, एक दो क्वेश्चन के अलावा आप इजीली कर पा रहे हैं क्वेश्चन में। अब देखिए 26 में क्या बोला है, 26 में बोला है ए इक्वल टू 1, 2, 2, 3 ये दिया हुआ, देन ए स्क्वेयर माइनस के ए माइनस आई टू। अब आपसे बोला है वेयर आई टू इज अ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। सिंपल क्वेश्चन है, ए स्क्वायर मतलब इसका ही स्क्वायर करना है, लॉजिकली समझिए तो क्या आ जाएगा, देखिए ऐसा लिख लीजिएगा इसको, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आई टू इक्वल टू के ए, के ए मतलब लॉजिकली क्या हो गया, के 2k, राइट, ये भी 2k और ये 3k, कंपेयर कर देना है। तो ए स्क्वायर में केवल एक ही टर्म से काम हो जाएगा, कैसे, जैसे ही आप इस कॉलम का इस कॉलम के साथ करेंगे, 1 + 4 = 5, 5 - i कितना हुआ 4, यानी इसका ये 4 है, इसका ये इससे इक्वेट होगा, तो k का वैल्यू क्या आ गया 4। पूरे मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट नहीं करना है, फिर समझिए मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर माइनस आई को यही लिखा, के ए को यहां लिख दिया। अब पूरा ए स्क्वायर करने की जगह मैंने केवल इस वाले टर्म को सॉल्व किया, तो ये आ रहा है 5। अब लॉजिक से देखिए, ये 5 है, इसके आगे क्या आएगा छोड़ो, और यहां पे 1001 आएगा, तो इसका सब्ट्रैक्शन हुआ 4, वो इक्वल टू के ए के होगा, तो देन के इक्वल टू 4। यानी आपके लॉजिक्स, आपकी सॉल्विंग अप्रोच, इन पे पेपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आती है कि हमारी सॉल्विंग अप्रोच टेक्निक्स, इन पे हम वर्क ज़्यादा नहीं करते, ट्रिक्स पे उलझे रहते हैं। जितनी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कोई नहीं बता सकता, पर मैं हमेशा ये बोलता हूं कि ट्रिक्स नहीं होती, कंसेप्ट होते हैं, लॉजिक होते हैं, कंसेप्ट और लॉजिक से ट्रिक्स अपने आप आती है, उस पे वर्क करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 27 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म बाय चूजिंग द वर्टिसेस फ्रॉम अ सेट ऑफ 12 पॉइंट इन अ प्लेन, 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब 12 पॉइंट है, इसमें 7 जो है वो एक ही लाइन में है, इसको मैंने आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बताया हुआ था, 12C2 - 7C2 + 1, जितने भी कॉलिनियर पॉइंट हैं उनको माइनस कर दो, पर उससे अल्टीमेटली एक लाइन बनती है तो वो प्लस होगी। और अगर इसी केस में ट्राइंगल बोला होता तो आप लिखते 12C3 - 7C3। अभी स्ट्रेट लाइन बोला है, 12 × 11/2 - 7 × 6/2 + 1, ये देखिए ये कितना हो गया 66 - 21 + 1, मतलब कितना हो जाएगा 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो आपसे बोला है, अच्छा इसमें पर ट्राइंगल पूछा है, सॉरी मैंने स्ट्रेट लाइन लिख दिया, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म बाय चूजिंग द वर्टिसेस ऑफ, तो ये स्ट्रेट लाइन पूछा था तो ये आंसर आ जाता, और अब आपसे ट्राइंगल पूछा है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 12 × 11 × 10 / 3 / 1 - 7 × 6 / 5 / 3 / 1, ये देखिए ये कम्प्लीटली कैंसिल, 6 से ये भी 2 टाइम कैंसिल, 22 यानी 220 माइनस ऑफ 35 यानी 175 इज अ राइट आंसर। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 28 क्या क्वेश्चन है समझिए, 28 क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज, ऐसा करके लिखा है, ये एन का, ये सी का मतलब है, प्लस 2 × C (n, r-1) + C (n, r-2) राइट। एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इस पर बेस्ड 16 हर लगभग हर ही साल आया क्वेश्चन, NCR + NCR-1 = n + 1 CR, तो बायोलॉजिक चलें तो ये NCR + NCR-1 + NCR-1 + NCR-2 ऐसा दिया है, ये एक इसका कॉम्बिनेशन, एक इसका कॉम्बिनेशन।
तो ये n प्लस वन, ये n प्लस वन फाइनली मिलेगा n प्लस टू सी आर। अब आप देखें तो n प्लस टू सी आर एक ही में, यानी आप डायरेक्टली बता सकते थे, बाकी करते तो ये लिखते n प्लस वन सी आर एन प्लस वन सी आर माइनस वन एंड देन अगेन अप्लाई तो n प्लस टू सी आर। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, आपने बोला भी था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में प्रॉब्लम है, लेट एक्स इज डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कितना अच्छा क्वेश्चन है, और मैं बोलूंगा दिखने में ही है, इसको आप फर्स्ट राउंड में करिए। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, जीरो पे जीरो, 0.999 तक भी जीरो, ठीक वन पे वन, 1.999 तक ठीक वन, ठीक टू पे टू। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपना नेचर केवल इंटीजर में बदलता है, ये काम डेफिनेट में भी याद रखना है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में क्वेश्चन मिलेंगे, इसके क्वाड्रेटिक में मिलेंगे। अब आपको बोला लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोटेड द फंक्शन, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन द इंटरवल, यहां इंटरवल देना जरूरी था, इन द इंटरवल 0 टू 2, राइट, इन द इंटरवल 0 टू 2। अब सबसे पहले मैं पहला इंटरवल लूंगा एक्स बिलोंग टू 0 टू 1, जैसे ही 0 टू 1 लिया तो 0 से 1 में इसका नेचर कितना होगा, 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। अब x कॉमन लिया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मैं आपको अगली मिस्टेक बताता हूं जो होने वाली है, आप यहां देख के बोलेंगे टू सॉल्यूशन, बट कंडीशन ली x की वैल्यू जब 0 से 1 हो तो 4 नहीं होगा, ये फिर मिस्टेक होगी। यही तो मिस्टेक होती है, फिर हमें समझ में आता है कि हम तो 20-30 रॉन्ग कर गए। क्यों रॉन्ग कर गए वो नहीं पता होता, वो रॉन्ग समझना जरूरी है। तो इसमें 0 से 1 के ही इंटरवल, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर अगली कंडीशन आपने ली x बिलोंग टू 1 टू 2, क्योंकि पूरा 1 से लेके 2 तक उसका नेचर 1 होगा, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसके रूट्स निकालने की कोशिश करिए, फैक्टर बनेंगे नहीं, फॉर्मूले मेथड से अगर मैं करता तो आप लिखते कितना। अच्छा, एक और बात बोली, लेट x डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द इंटरवल, ठीक है। अब आप लिखते 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी 16 माइनस 1 कितना, रूट 15 बाय 2, यस और नो। अब थोड़ा सा आप समझिएगा यहां पर कि क्या कंसेप्ट लगेगा। क्या लिखा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर हुआ कितना, 16, और माइनस, सॉरी, बी का स्क्वायर हुआ 16 माइनस ऑफ 4, यानी 4 प्लस माइनस रूट 12, यानी 2 रूट 3 बाय 2। तो एक तरह से मिल गया 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 3, क्या मिल गया, 2 प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ 3। तो अब इसमें एक चीज बताइए मुझे कि जब आपको मिल गया 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 तो क्या हो जाएगा, एक बार लेंगे जब पॉजिटिव साइन तो 2 प्लस रूट 3 वो क्रॉस कर जाएगा, नहीं ले सकते। एक बार लिया नेगेटिव साइन 2 माइनस रूट 3, ये भी नहीं ले सकते। वाई, क्योंकि 2 माइनस 1.73 1 से छोटा हो गया, कोई सॉल्यूशन नहीं आया। अब फिर मिस्टेक होने वाली, हम 2 इधर गिन लेंगे, 2 इधर गिन लेंगे, 4 हो गया, या हम एक एक गिन लेंगे, ये दोनों बातें ध्यान रखना है। कई बार हम इसे कंसिडर कर लेंगे, पर 2 माइनस 1 point something यानी 1 से छोटा कोई रूट नहीं होगा। अब ठीक एक वैल्यू और लेनी पड़ेगी x की 2। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप चाहें तो इसे बाद में कर सकते हैं, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे कमांड नहीं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब देखिए बीच में क्वेश्चन ये भी इसलिए बताया कि जहां पर टाइम लगता है इन क्वेश्चन को अगर स्केप करेंगे तो फायदा, पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कर लीजिए। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन एकदम सिंपल करते चलें, पर हर क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो लेंदी है तो फिर आपके अटेम्प्ट कम होंगे। अब ठीक जब 2 लेंगे तो ये 2 ही मिलेगा और आप ऐसा लिख देंगे प्लस 2। अब आपको दिख रहा है कि इसके फैक्टर भी नहीं बन रहे, तो इसका 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 8 अपॉन 2, इसका वैल्यू 2 आएगा ही नहीं। यानी हम अगर लॉजिकली समझें तो ना ये सॉल्यूशन है ना ये, ओनली वन हाईएस्ट मिस्टेक वाला क्वेश्चन हुआ, इसमें सॉल्यूशन ओनली वन हुआ, पर इसमें बहुत पॉसिबिलिटी, लोग 2-3 कुछ भी लगा सकते हैं। क्लियर है बात, नोट करिए क्वेश्चन को। यस, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे कि इसका आंसर ओनली वन होगा, ध्यान रखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन इनफैक्ट जेई तक में आते हैं इस तरह के, और ऐसे क्वेश्चन में अक्सर मिस्टेक्स होती है, जरा भी ध्यान नहीं दोगे।
इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ो ऐसे कि हर चीज़ क्लियर हो, हर चीज़ पे बहुत ही बेसिक लेवल पे कमांड हो, आप लॉजिकली बहुत स्ट्रांग हो, आपको क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जरा समझते हैं क्या है। अच्छा, मेरा जबकि ऑब्जेक्ट था इस पेपर को लेते वक्त, मैंने भी पेपर नहीं देखा अभी, कि लेते वक्त यही था कि सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा या परमोटेशन या प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये बहुत इजी होता है, या इसको ट्रिक से बताया हुआ आपको, पर फिर भी मेरा एक कंसेप्ट होता है कि स्केलिंग करते करते जो सिंपल लगे करते जाओ। आप देखो 30 में केवल 3 या 4 क्वेश्चन छोड़े हैं, बाकी सब आपने कर लिए। आप इस तरीके से करोगे आपके अपने आप अटेम्प्ट भी बढ़ेंगे, स्कोर्स भी आएगा। अब देखिए क्या है, आ सर्वे ऑफ 850 स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, 680 लाइक म्यूजिक, 215 लाइक डांस, ओके। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ हु लाइक बोथ द सब्जेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ऐड कर दीजिए तो अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। 895, यानी एक बात तो कंफर्म है कि कम से कम 45 तो कॉमन होंगे ही, क्योंकि 850 टोटल है, 895 म्यूजिक एंड डांस वाले, तो 45 कम से कम डांस वाले होंगे, तो लीस्ट नंबर हो गया। यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आते हैं, इन क्वेश्चंस को करो। लास्ट टाइम में मैंने ये पेपर ही क्यों डिस्कस किया वो भी बताता हूँ कि आपको घबराना नहीं है, पेपर कैसा भी हो सकता है। प्रीवियस 16 किया था, टफ था, लेंदी था, आज 18 कर रहा हूँ, सिंपल था, टफ सिंपल के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, राइट? तो उन कॉम्बिनेशन को समझना है। 18-2 किया था, थोड़ा ऐसे लेंदी था, हर तरह के कॉम्बिनेशन आपको अपने आप से तैयार रखना है, मेंटली प्रिपेयर रखना है। अब देखिए व्हाट इज द सम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन है 31। क्या क्वेश्चन है सुनिए, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2-डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव रिमाइंडर 2। ठीक है, जब भी लीव रिमाइंडर बोले तो पहले तो 2-डिजिट के कितने नंबर होंगे वो बताइए। तो 2-डिजिट का सबसे पहला नंबर होता है 10, फिर होता है 10 के बाद अप टू 99। अब इनमें पर वो नंबर लेना है जिनमें 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आए, तो ऑब्वियसली पहला नंबर होगा 11, फिर 14, फिर 17, ऐसा चलता जाएगा, सबसे लास्ट नंबर होगा 98, राइट? अब इसमें अगर हम 3 का डिवाइड करेंगे तो हर केस में रिमाइंडर 2 मिलेगा। 1 से 100 में 3 के डिविजन होते हैं 33, 3 हटा दो 369, तो ये बचे 30, यानी नंबर ऑफ टर्म है 30, पर अगर आपको कंफ्यूजन है तो नंबर ऑफ टर्म इससे भी निकाल सकते हैं। बाकी सम पूछा है तो सिंपल हो गया, 30/2 ए प्लस एल, जैसे ही सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। आप देखिए इसमें भी आपको टेक्निक्स यूज करना चाहिए, लॉजिकली कैंसिल कर दो तो 15 और इसको ऐड करो तो 99, यानी 109, राइट? अब इसका थोड़ा सा भी मल्टीप्लाई करोगे 15 9 जा 135, तो आखिरी में 35 देख लीजिए एक ही में केवल, जैसे ये आंसर है इसका, तो आखिरी में 35 केवल एक ही ऑप्शन में, पूरे मल्टीप्लाई के बिना बता सकते थे, तो आपका आंसर एक सेकेंड में आ जाता, राइट? तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस को आप किस ढंग से सॉल्व कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आप यूज कर रहे हैं, आपके अपने आप क्वेश्चंस बनने लगेंगे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, ये ऐसा बोला है इस क्वेश्चन में कि डिविजन बाय थ्री एंड रिमाइंडर विल बी 2। तो मैंने पहले नंबर क्या हो सकते थे, नंबर हो सकता था 12 15, पर इनमें तो कंप्लीट डिवाइड 3 का करोगे तो आ जाएगा, पर रिमाइंडर 2 चाहते हो, तो इसका मतलब जैसे मैंने 11 लिया तो 3 9 जा 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर 2, हाँ, और अब लास्ट नंबर 99 होता है 3 से डिवाइड होने वाला, पर रिमाइंडर 2 चाहिए आपको, तो इसके पहले 96 और प्लस 2 कर दो, जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर है वही नंबर ऐड करते चलते हैं बस। जैसे 9 नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है, 9 में 2 ऐड कर दिया क्योंकि रिमाइंडर 2 चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म 30, और फॉर्मूला यूज किया क्या, SN इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एल या 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 32 है, ये लॉग की बेस प्रॉपर्टी पे है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बाद में करें बेटर होगा, क्योंकि पहले करने में कई बार आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ, अब 33 देखते हैं क्योंकि इसमें काफी कंसेप्ट लगेगा, देख के समझ में आ जाएगा आपको, प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो सब समझ में आएगा। 33 देखिए, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3, थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म मतलब 1 2 3 4 एंड 5, ये बोला है, राइट? अब थर्ड टर्म 3 है मतलब ए आर स्क्वायर, तो ये होगा ए आर, इतना ना भी लिखो तो चलेगा, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4, ए पावर 5, 7 2 9 10, यानी ए आर स्क्वायर की पावर 5, यानी 3 पावर 5, दिस इज 243।
राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। क्या क्वेश्चन है 34 जरा समझते हैं। थर्टी फोर क्वेश्चन में देखिए बोला है इफ एक्स 3/2 जेड आर इन एपी, एक्स 3 जेड आर इन जीपी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एचपी, कौन सा नंबर एचपी में होगा ये बोला गया है। राइट अब जैसे इसमें आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे इस तरह का दिया एक्स 6 जेड, बी दिया है एक्स 4 जेड, सी दिया है एक्स 2 जेड और डी दिया है एक्स 1 जेड। राइट अब वैसे याद रखिएगा ये एपी है, ये जीपी है और एचपी के लिए पूछा है आपसे। अब इनका अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है एक तरह से 3/2, ज्योमेट्रिक मीन दिया है 2, हार्मोनिक मीन अगर मैं आपसे बोलूं क्या होगा तो एक रिलेशन होता है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू, ये इनका ज्योमेट्रिक मीन होता है, अगर इसको ए इसको जी और इसको एच लिख दूं तो जी इक्वल टू रूट ए एच होता है। तो अगर मैं देखूं तो 3/2 इनटू एच रहने दूं और यहां पर कितना ले लूं, ये है 2, स्क्वायरिंग कर दीजिए तो 4 इक्वल टू 3/2 एच। राइट तो एच इक्वल टू कितना आ गया 8/3। राइट यस, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने गलती से यहाँ क्या लिख दिया, अब ये 8/3 नहीं है पर मैंने ध्यान दिया कि ये 3 है ज्योमेट्रिक मीन, तो 2 की जगह गलती 3 की जगह गलती से 2 लिख दिया। आप वही करिए, सिंपल टेक्निक्स है 3/2 × h, तो 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 3/2 h, ये 3 से 3 टाइम कैंसिल 2 का, तो h इक्वल टू 6। अब देखिए किसका हार्मोनिक मीन 6 है, एक ही का है, देन दिस इज द राइट आंसर। याद रखिएगा अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में रिलेशन होता है कि ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। अब ये 3 था, मैंने बाय मिस्टेक 2 लिख दिया, गलत हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है, कहीं पे अगर गड़बड़ हुई सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या है 35 क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला गया 35 क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम n इक्वल टू 2 to 11 आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1। अब देखिए 2 to 11 दिया है तो आपको भी पता है कि इसमें मैंने आपको बोला था 4 conjugative का सम 0, तो अब कितने मिलेंगे वो देख लीजिए। तो अगर हम लॉजिक से देखें तो हर एक में 2 मिलेंगे, 2 से 11 मतलब कितने हो गए टोटल, अगर 1 को छोड़ दो तो टोटल हो गए कितने 10 पेयर। अब 10 मतलब हो गया 20, तो क्या हो जाएगा देखिए, ऐसा लिखोगे आप आयोटा पावर 2 आयोटा पावर 3, हर एक में 2 पेयर मिलेंगे, बस ये ध्यान रखना क्योंकि कॉम्बिनेशन है, इसको आप ऐसे बना के चलें या अलग अलग लिख लें, और कंफ्यूजन है तो अलग अलग लिख लें। ऐसा लिख लें n इक्वल टू 2 to 11 आयोटा पावर n प्लस n इक्वल टू 2 to 11 आयोटा पावर n प्लस 1। अब यहां पर देखिए क्या होगा 2, 3 से लेके 11 तक प्लस, यहां बोलिए क्या होगा 3, 4 से लेके 12 तक। राइट अब आपको मैंने अभी बताया कि आपको करना क्या है कि कॉन्जुगेटिव्स को देखना है, तो कितने टर्म मिले यहां पर, यहां पर मिले 10, यहां पर मिले 10, 8 का समेशन 0 हो जाएगा, कोई भी 8 कॉन्जुगेटिव ले लिए थे तो आपको एक तरह से आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा पावर 10 मिला ऐसा मान लो। यहां पर भी कोई लास्ट के 2 छोड़ दो, आयोटा पावर 12 प्लस आयोटा पावर 11। ठीक अब आयोटा पावर 10 का मतलब हुआ 4 से डिवाइड करो तो -1, ये मिलेगा माइनस आयोटा, ये भी माइनस आयोटा, ये मिलेगा +1, ये दोनों कैंसिल तो -2 आयोटा इज अ राइट आंसर। राइट -2 आयोटा, इसमें केवल कोई भी 2 छोड़ सकते थे, 8 कॉन्जुगेट 4 का पेयर जो होता है किसी भी ऑर्डर में, याद रखिए 4 का जो पेयर होता है इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हो रहा था, वो हमेशा 0 होता है। तो टोटल 10 यहां थे, 10 यहां पर थे, 8 को मैंने 0 करा तो 2 बचे, कोई भी 2 लास्ट के या स्टार्टिंग के ले सकते थे, ऐसे इसके भी लास्ट के 2 या स्टार्टिंग के 2 लेके आप इजीली कंक्लूजन दे सकते। मान लो आप स्टार्टिंग के 2 लेते तो आप लिखते आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, इधर का इधर क्या लिखते बोलो आयोटा क्यूब आयोटा 4,
अच्छा आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, ये माइनस आयोटा, ये भी माइनस आयोटा, ये प्लस वन, ये कैंसिल, देखिए माइनस टू आयोटा। यानी आप किसी भी एंगल से, किसी भी लॉजिक से करते क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। चलिए नेक्स्ट आते हैं ट्रिग्नोमेंट्री पे, जिसमें काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं, राइट। और ट्रिग्नोमेंट्री में ट्रिक्स अकेले यूज नहीं करनी है, उसमें मिस्टेक होती है। ट्रिक्स के साथ कंसेप्ट एंड लॉजिक को भी बहुत अच्छे से समझ के यूज करना है, जब भी उसका फायदा है। अब देखिए क्या दिया 36 में, जरा समझिए। साइन एक्स इक्वल टू 1/√5 एंड साइन वाई इक्वल टू 1/√10, ओके। अब आपसे बोला ये 0 से π/2 में दिया है और y भी 0 से π/2 में दिया, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बोथ आर पॉजिटिव। आपसे बोला है व्हाट इज वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, केवल x प्लस वाई पूछा है, कुछ तो होना चाहिए। x प्लस वाई मतलब कुछ तो होना चाहिए का मतलब या तो 10 लोगे या cos लोगे, क्या लोगे। तो जैसे अगर हम इसमें समझें, ये 1 है, ये रूट 5 है, तो ऑब्वियसली ये 2 होगा। अगले क्वेश्चन को हम समझें तो ये 1 है, ये रूट 10 है, तो ऑब्वियसली ये 3 होगा। तो अगर हम इसका 10 ले लें और बाद में वो अप्रोच कर लें तो क्या दिक्कत है। देखिए 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, राइट। तो 10x कितना होगा, देखिए 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 1/3, दिस इज 5/6, दिस इज 6 माइनस, दिस इज ऑल्सो 5/6 1। पर ये आपने 10 लिया था तो x प्लस वाई हो गया 10 inverse 1, देन दिस इज 5/4, देन दिस इज पाई बाई फोर। कितने इजीली आपने कर लिया। अच्छा ये लिखने का एक पर्पस होता है कि हमारे को ये फिक्स हो गया कि क्वाड्रेंट कौन सा है, नहीं तो आप ये भी बोल सकते थे कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और हो सकता है सर ये वाला जो साइन एक्स हो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ये कंडीशन दी जाती है। क्वेश्चन सिंपल था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, साइन की जगह 10 में क्वेश्चन करा करोगे जल्दी होंगे। फिर देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या क्वेश्चन है, 37 समझते हैं। 37 में बोला गया है व्हाट इज साइन 5x माइनस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू। अब देखिए सिंपल है, सीडी फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार में हो जाएगा दोनों में ही। और ट्राई करा करिए कि सीडी फॉर्मूला भी कैसे लगाएंगे, तो 2 cos 8/4 4x कॉस के साथ आया 4x इंटू साइन के साथ आएगा एक्स, नीचे 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स, ये कैंसिल, बचा क्या 10x, देन 10x इज आर राइट आंसर। अब क्या होता है हम छोटी छोटी चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं, 2 cos c + d / 2 sin c - d / 2, एक स्टेप आपका 20 सेकेंड बढ़ा देती है, उस पर बहुत ध्यान रखना है। 2 cos 5x + 3x / 2 एंड cos 5x - 3x / 2 एंड देन फिर आप ये लिखते हो 2 cos 4x sin 2x अपॉन 2 cos 4x into cos x एंड देन फिर कैंसिल करके आंसर देते हैं। ये स्टेप्स को बचाते हुए चलना है, ध्यान रखिएगा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 38 क्वेश्चन क्या है, साइन 105, जबकि मुझे लग रहा था, और मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप कोशिश करिएगा कि पूरे 120 क्वेश्चन तक रीच कर पाए, क्योंकि 120 तक जाते जाते बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलते जाएंगे। अगर आप पूरे क्वेश्चन पे रीच नहीं करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन छूट जाएंगे, अभी तो सभी सिंपल है। अब देखिए इसको सिंगल स्टेप में कर सकते हैं, कैसे, साइन 105 प्लस कॉस 105, यानी लॉजिकली अगर हम देखें तो ये क्या है, इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, साइन 65 प्लस 45 प्लस कॉस 65, ओ सॉरी 60 प्लस 45, डायरेक्ट सबकी वैल्यू पता है, साइन 60, अब इनकी वैल्यू वैसे याद रखना चाहिए, साइन 60 √3/2 इंटू 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2 इंटू 1/√2, यह आएगा कॉस 60 1/2 इंटू 1/√2 माइनस √3/2 इंटू 1/2, राइट 1/√2, ये दोनों कैंसिल, ये ऐड हो गए, तो 1/√2 इज अ राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, इन अ ट्राइंगल ABC a = 2 b = 3 एंड साइन a = 2/3, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ b,
सिंपल क्वेश्चन है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, ए बी दिया हुआ ऑलरेडी, केवल बी बताना है आपको क्या करना है, साइन बी इक्वल टू लिखोगे बी अपॉन ए इंटू साइन ए बी थ्री ए टू साइन ए टू बाय थ्री, ये कैंसिल यानी वन एंगल इज पाई बाय टू, राइट। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप सोचिए कि मुझे, मैंने अभी इस पेपर में टारगेट ये लिया कि आपको 60 प्लस करवाना है, 60 के आसपास करवाना है, पूरा नहीं करना, क्योंकि आपको 60 तक रीच कैसे करना है वो लास्ट टाइम में सोचना है, पर मुझे लगता है इस पेपर में तो आप पूरे पूरे कर सकते थे। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 कॉमन मिस्टेक, आंसर 2 पाई बाई 3 लिखा गलत, ऑप्शन ए वही मिलेगा या बी में कहीं ना कहीं मिलेगा। साइन इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन हो तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, कॉस इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन हो 0 टू पाई 10 का हो तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो ये इसका मतलब इसको आप ऐसा लिखेंगे साइन पाई माइनस पाई बाई 3 एंड दिस इज पाई बाई 3, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, तो कितना आ गया पाई बाई 3, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है समझिएगा। एक्स एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल नॉट एन इक्विलेटर ट्राइंगल, जो ही नहीं कि इक्विलेटर ट्राइंगल, सच दैट टेन एक्स माइनस वाई टेन एक्स एंड टेन एक्स प्लस वाई आर इन जीपी, देन व्हाट इज द एक्स। अब ये बोला है एक्स एक्स माइनस वाई और ये एक्स प्लस वाई, ये तो क्या है एंगल ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब एक बात तो मुझे समझ में आती है कि इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो होगा पाई, राइट वो होगा पाई। तो अगर मैं इसमें से वाई कैंसिल कर दूं तो एक्स इक्वल टू कितना पाई बाई 3, बट साथ में ये भी दिया है कि नॉट एन इक्विलेटर ट्राइंगल, तो यहां पर जो कंडीशन दी है उसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, आप इजीली इसके एंगल के सम करके निकाल सकते थे, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है सेंटर हो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है पर हो सकता है इसमें आप उलझ जाओ, बाकी इसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए बाद में करिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस का है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप पहले भी कर सकते हैं बाद में भी। फ्लब स्टफ 6 मीटर हाइट प्लेस ऑन अ टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है उसके ऊपर इस हाइट पर है, कितना 6 मीटर का और इसका शेडो है 2√3 मीटर का अलॉन्ग, तो आपसे ग्राउंड पे एंगल पूछा है, पर कई बार क्या होता है कि डायग्राम बना के करने में टाइम लगता है, मेरा सजेशन है आप इस क्वेश्चन को बाद में करें, कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में ऐसा ना उलझे जिसमें टाइम लगता है। 44 क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजीली कर लेंगे, टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 3/5, सीधा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाइए, तो 1/4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 1/4 इंटू 3/5, 5 प्लस 12 अपॉन 20, यहाँ पर भी वही जाएगा 20 माइनस 3 अपॉन 20, ये बचा 1, तो 10 प्लस 1 कितना पाई बाई 4। 45 फिर हाई डिस्टेंस का क्वेश्चन है, सजेशन दूंगा कि आप बाद में करें आपके लिए अच्छा रहेगा। 46 पे आते हैं जरा, 46 क्या बोला देखिए, जो पहले बेसिक क्वेश्चन हैं उन पे ज़्यादा वर्क करने जो होते हैं, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी देन टेन एक्स अपॉन टेन वाई, ये पूछा है राइट, टेन एक्स अपॉन टेन वाई पूछा है, क्यों ना इसमें कंपोनेंट और डिवेंटो लगा लो, एक स्टेप में हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि टेन पूछा तो टेन बनाने के लिए साइन एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, यहाँ पे भी लगाएंगे तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ये कंपोनेंटो डिविंडो लगाया, क्या होता है कंपोनेंटो डिविंडो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो यहाँ पर देखिए अब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी टू साइन एक्स कॉस वाई, यहाँ पर टू कॉस एक्स साइन वाई इक्वल टू ए अपॉन बी, टू से टू कैंसिल, ये हो गया देखिए टेन एक्स नीचे आ गया टेन वाई, आंसर भी आ गया ए अपॉन बी, यानी आपकी टेक्निक्स क्या हैं क्वेश्चन सब इस पे ही डिपेंड कर रहा है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 47 जहां पे भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन एनडीए में कभी भी टफ नहीं होते, बट
डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो टाइम लगता है उतनी देर में आप दो क्वेश्चन कर सकते हैं। 47 देखिए क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू जीरो इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, वेयर जीरो लेस देन बीटा लेस देन अल्फा लेस देन टू पाई, यानी अल्फा एंगल बड़ा है बीटा एंगल छोटा है और दोनों ही जीरो से टू पाई में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा ये पूछा है। राइट क्या करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, अल्फा एंगल बड़ा है बीटा एंगल छोटा है, और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा भी कितना है, तो आप इसमें एक काम ये कर सकते हो आप कि आप ऐसा भी कर सकते हो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू जीरो, यानी टू डी टू लगा लीजिए, टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू इन टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू दिस इक्वल टू जीरो। राइट यानी दिस इक्वल टू जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले सकते हो मतलब एंगल बड़ा, या फिर अल्फा माइनस बीटा बाय टू इक्वल टू पाई बाय टू। राइट अल्फा माइनस बीटा बाय टू इक्वल टू पाई बाय टू, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई, देन अल्फा इक्वल टू पाई प्लस बीटा, ये भी लिख सकते हैं आप। तो अगर मैं देखूं लॉजिकली तो अल्फा इक्वल टू पाई प्लस बीटा, यहां पर मैं लिख दूं अल्फा की जगह पाई प्लस बीटा, तो माइनस साइन बीटा प्लस साइन बीटा कैंसिल सेम थिंग माइनस, तो दिस इज द राइट आंसर, यानी आप इससे बहुत इजीली कर सकते हैं। दोनों पॉजिटिव ये हो नहीं सकता पॉसिबल, क्योंकि दोनों एंगल पॉजिटिव ही लेने थे, जीरो से टू पाई में जाना था, इसलिए यही वाला रिलेशन करेक्ट होगा। राइट नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन है, इफ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा दिस शुड बी जीरो, और बोला अल्फा जीरो टू पाई बाई टू है, पाई बाई टू इंक्लूडिंग करा है, अल्फा में पाई बाई टू इंक्लूड करा है, बीटा में भी पाई बाई टू, गामा में भी, तो आपसे बोला है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, एक सेकेंड में बता सकते हैं इसका सम जीरो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ही कंडीशन में हो सकता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और तीनों अल्फा बीटा गामा सभी जीरो से पाई बाई टू में दिए, कि केवल अल्फा बीटा गामा ही पाई बाई टू हो जब ही जीरो हो सकता है अदरवाइज नहीं, तो इसका मतलब यहां पर अल्फा बीटा गामा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, अल्फा बीटा गामा करेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री, क्योंकि वन प्लस वन कितना थ्री। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है, साइन एक्स प्लस पाई बाई फाइव प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई फाइव वेयर एक्स बिलोंग टू जीरो टू पाई बाई अटेंड एट, अब ये मैक्सिमम वैल्यू कब अटेंड करेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी, तो इसकी मैक्स वैल्यू आपको पता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के आगे लग जाएगा। अब इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू है रूट टू, क्योंकि इसके आगे वन वन है, तो रूट टू कब मिलेगा जब ये भी वन बाय रूट टू और ये भी वन बाय रूट टू हो। राइट क्योंकि वन बाय रूट टू ही रूट टू होता है, तो इसका मतलब इस पूरे का एंगल की वैल्यू पाई बाई फोर के इक्वल होना चाहिए, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फाइव देन पाई बाई ट्वेंटी। अगर आप ऑप्शन से भी करते तो कर सकते थे, पाई बाई ट्वेंटी जैसे ही रखा तो ये कितना हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा फोर फाइव पाई बाई ट्वेंटी मतलब पाई बाई फोर देन वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू। राइट क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी अटेंड करने वाले होते हैं, केवल उन क्वेश्चन को छोड़ दीजिए अटेम्प्ट करने से जिनमें टाइम लग रहा है, अदरवाइज हर क्वेश्चन सिंपल होता है कोऑर्डिनेट का, ऑप्शन से हो जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 51 देखें तो 51 में बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट 43 एंड 57 इन द रेशो इंटरनली एंड एक्सटर्नली, कितना अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट विच इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट 4,3 एंड 5,7 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। पहले हम समझें कि 43 ये है 57 ये है, इसको जो पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:3 उसके कोऑर्डिनेट निकालो, यही पॉइंट एक्सटर्नली होता उसके, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो सबसे पहले तो ऐसे करिए, तो ये जाएगा 10, देखिए 2 into 5 10 प्लस 12
10 प्लस 12 अपॉन 5 यानी 22 बाय 5, वाई भी करिए ऐसे ही, ये एक्स हो गया, वाई निकालते तो कितना आ जाता, 14 प्लस 9 बाय 5, राइट, यानी 23 बाय 5। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाय 5 आएगा है, बिल्कुल पक्की बात है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 22 बाय 5 कॉमा 23 बाय 5। अब इसी का एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, आप ऐसा लिखेंगे ना, 2 5 10 माइनस 12 अपॉन 2 माइनस 3 यानी 2, केवल माइनस 2 अपॉन माइनस 1 तो 2, एंड y इक्वल टू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 9 अपॉन 2 माइनस 3, राइट, 14 माइनस 9 अपॉन 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का, तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2 कॉमा माइनस 5, बस इनके बीच का आपसे डिस्टेंस पूछा है, राइट। 52 में एंगल पूछा है, लाइन दिए हैं, पर जिस फॉर्म में पूछा है कभी कभी उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप इस क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या है, व्हाट इज द 53, देखिए 53 क्वेश्चन में बोला, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 2 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ओके, इंक्लाइन एट 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसका मतलब सी माइनस 2 दिया है और इंक्लाइन एट 30 डिग्री दिया है यानी 1 बाय रूट 3 दिया है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स यानी 1 बाय रूट 3 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2, राइट, एलसीएम ले लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको, देखिए आप। फिर देखिए 54 क्वेश्चन क्या दिया है, 54 क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, एक्स प्लस 2 वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 एक्स माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड पैरेलल टू द लाइन वाई माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, इसके पैरेलल लाइन तो यही होगी। अब अगर आप देखें तो इस तरह के सभी ऑप्शन दिए, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से निकालेंगे जल्दी निकलेगा, 10 माइनस 3 7 आ गया, वाई की निकाली वैल्यू कितना, माइनस 6 माइनस 5 1 अपॉन, ठीक है, ये देखिए क्या करा आपने, माइनस 6 माइनस 5 फिर 1 के साथ किया तो माइनस 1 एंड माइनस 4, राइट, तो एक्स अपॉन कितना आ गया, एक्स अपॉन 7 वाई अपॉन माइनस 11 1 अपॉन माइनस 5, एक्स इक्वल टू 7 बाय माइनस 5 वाई इक्वल टू 11 बाय 5 रख दीजिए यहाँ पर, एक्स की जगह रखा आपने पहले वाई रख दीजिए, 11 बाय 5 माइनस माइनस प्लस 7 बाय 5 यानी ओवरऑल मिला 18 बाय 5, तो इसका मतलब 5 वाई माइनस 5 एक्स इक्वल टू 18 ये आंसर होगा, तो इसको अरेंज कर लो तो ये आ गया, देखिए 5x माइनस 5y प्लस 18 इक्वल टू 0, सी इज अ राइट आंसर, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए जरा 55, क्या क्वेश्चन है समझते हैं, 55 क्वेश्चन में बोला है, मैं लाइन से ही करवाते हुए चल रहा हूं और यही आपको करना है, जो जो बनते जाए उनको करते जाए, अपने आप आप रीच कर लेंगे। 55 बोला है द लेंथ पी अब परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, अब देखिए इस लाइन पर अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालूंगा सेटिस्फाई द रिलेशन तो क्या होगा, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब उन्होंने स्क्वायरिंग करके लिखा है, देन दिस इज द राइट आंसर। फिर दूसरा है द लेंथ ऑफ पी ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये भी वही क्वेश्चन है, सेटिस्फाई द रिलेशन, इसमें भी स्क्वायर करा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। और थर्ड बोला द लेंथ पी ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ये क्या दिया है, पहले देखिए इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या आएगा, ध्यान रखना, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप चाहो तो, इसी फॉर्म में लिखना तो लिखा रहने दीजिए, 0 0 डाला तो 1 अपॉन रूट 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू पी दिया था, तो अब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 1 बाय पी स्क्वायर, रेसिप्रोकल ले लो तो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय, ये करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है, द लेंथ पी, थर्ड स्टेटमेंट है द लेंथ पी ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन सेटिस्फाई, अब इस पे अगर परपेंडिकुलर डालूंगा ओरिजिन से तो सी अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा, दिस इक्वल टू पी, अब मैं आपसे बोलूं कि इसकी स्क्वायरिंग कर दो तो पी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ये फॉर्म नहीं दिख रही इसलिए ओनली 1 एंड 2 करेक्ट होगा, राइट, इसलिए ओनली
वन एंड टू करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 56 क्या क्वेश्चन है। 56 समझे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस आर प्लस माइनस 50 एंड फोकाई आर। ठीक है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस प्लस माइनस 5। अब वर्टिसेस प्लस माइनस 5 दिए हैं और फोकाई दिए प्लस माइनस 4, तो एक चीज समझिए कि जो भी आंसर होगा उसमें एक्स स्क्वायर अपॉन 25 जरूर आएगा। तो ऐसा दो ही ऑप्शन में है, ए और सी में, बाकी फोकाई से निकल जाएगा। देखिए ए इक्वल टू 5, ए ई इक्वल टू 4, तो ई इक्वल टू 4/5। ऑप्शन ए को चेक कर ले, 1 - 9/5, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, यानी आंसर हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9। बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में। ये देखिए, ये फोकाई है, सॉरी वर्टेक्स है, कंपेयर किया ए से, फोकाई को कंपेयर किया ए ई से, ई की वैल्यू निकाली तो वो आ गई अंडर रूट 1 माइनस। फॉर्मूले नहीं लिखना है, ऐसे समझाने का एक पर्पज है। आप इस तरह से करेंगे तो क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे कम समय में। फिर देखिए 57 क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है 57, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। 2, 3 को जो सेटिस्फाई करे, अगर देखूं मैं तो 2, 3 जैसे ही पासिंग थ्रू बोला, एक बार ऑप्शन को चेक करें फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि हो सकता है अगर ऑप्शन यहीं सेटिस्फाई कर जाए तो पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना। 2, 3 इसमें रखा तो 4 + 3, 7, ये रिजेक्ट, 4 + 7 ये ठीक है, 2 + 6 रिजेक्ट, 4 ये, 4 - 3, 1 ये कर रहा है, पर इसका मतलब इन दो में से कोई एक होगा। पढ़ लेते हैं बच्चा वो क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू ट्वाइस इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव। तो ट्वाइस तो यही मिल रहा है, क्योंकि ये एक्स अपॉन 1/2 और ये वाई अपॉन 1 है, तो ये से ट्वाइस हो गया। तो बी इज अ राइट आंसर, यानी आप सही तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। देन उसके बाद 3D के क्वेश्चन हैं, 3D के क्वेश्चन भी ऑप्शन से होंगे, बहुत ईजिली कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसमें। अब देखिए 58, 59 में अगर हम देखें तो 59 पहले कर लीजिए, 58 भी लीजिए पर 59। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट तो 3 पॉइंट दिए, जो पॉइंट सेटिस्फाई करे वो करेक्ट आंसर। मेथड से करते तो ये तरीका होता, एक पॉइंट से इक्वेशन निकलती, 2 पॉइंट सेटिस्फाई करता, फिर ए बी सी निकलता, पर ये सीधा सीधा ऑप्शन से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60, स्पेयर ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस आर थ्रू द ओरिजन इंटरसेक्ट एज कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी एंड सी, व्हाट इज द लोकस ऑफ, इसमें हो सकता है आप उलझ जाओ, देन लीव दिस क्वेश्चन। क्या होता है कि देखते चलो कि कहां पर आप क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं, कहां पर क्वेश्चन देर में होगा, स्पीड में करने का यही तरीका है। यस, अब देखिए इसमें यहाँ पे अगर हम आते हैं, अभी तक सारे क्वेश्चन इजी आ रहे थे, अब ऐसा आपको कौन सा सेट मिलेगा डिपेंड करता है, आपने कम टाइम लगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं बोलूंगा कि पहले हम पूरा पेपर देखें उसके बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि वैक्टर्स वगैरह के क्वेश्चन भी काफी ईजी होते हैं और अभी तक नहीं आया। अब देखिए जैसे 64 काफी ईजी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन दी है, डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला, छूटना ना पा, ऐसे क्वेश्चन छूट गए तो बाद में बहुत अफसोस होगा, क्योंकि ये दोनों इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 18, तो 18 - 15/6² + 8² यानी 3/10, ऐसे क्वेश्चन ना छूटें। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 65, जो इजी है वो करना है, 2D 3D सभी के, जो थोड़ा सा भी टाइम ले रहे हैं उनको बाद में सोचिए। 65, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर हुज सेंटर एट, देखिए सेंटर दिया है -2, 3, 4, रेडियस दिया 6, इक्वेशन होगी x + 2² y - 3² पूरा नहीं करना है x²। अब देखिए प्लस का 4x आना चाहिए, प्लस का 4 3 में, माइनस का 6y आना चाहिए एक ही में, दो में है कॉम्बिनेशन से, और माइनस का 8z, तो करेक्ट आंसर इज ए। इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हुए चलिए, अपने आप बनेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट मॉड ए इक्वल टू 2, मॉड बी इक्वल टू 7, ए क्रॉस बी भी दिया है 3i प्लस 2j प्लस 6k, आपसे बोला देन व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ए एंड बी का एंगल बताना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये इसका मॉड ले लो तो 9 प्लस 4 प्लस 36 7, और इसमें ए और बी ले लें 2 इंटू 7 ये कैंसिल, तो देखिए 30 डिग्री, राइट। यानी आप डायरेक्टली कर सकते थे। तो पहले वो क्वेश्चन करिए जो इजीली होते हैं। 68 व्हाट इज द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट, ये डायरेक्टली हो जाएगा मूवमेंट है, तो क्या हो जाएगा ओ ए क्रॉस एफ। फिर 69 ए प्लस 2b प्लस 3c वेक्टर इक्वल टू 0, राइट, ये भी हो सकता है पर इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसलिए मैं बोलूंगा पहले सिंपल क्वेश्चंस पूरे पूरे करना है, वो छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। 72 देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द रेंज, 0 मिल सकता है पर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 से छोटी ही वैल्यू मिलेगी, राइट, 1 से छोटी ही वैल्यू मिलेगी, उससे बड़ी वैल्यू नहीं मिल सकती। कैलकुलस भी ना छूटे इसलिए मैंने आपको बोला पहले वो क्वेश्चन करिए जिनमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता मेंटली। मॉड एक्स 73 है प्लस मॉड एक्स माइनस 1, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये केवल 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है और ये 1 पर, बाकी कंटिन्यूस एवरीवेयर है। ऑप्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड 1, दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाओ, कोई टेंशन मत लो, टाइम मत दो। देन एरिया वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, फाइंड द एरिया वांटेड बाय द कर्व, इसलिए इसको बाद में करिए। अब देखिए इंटीग्रल के क्वेश्चंस 0 टू पाई ई पावर एक्स साइन एक्स, पहली स्टेप में कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला है ई पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आपको 0 टू पाई रखना है, जब आप पाई रखेंगे तो आपको मिलेगा 1/2, बाहर लिख दो आप ई पावर पाई, यहाँ 0 हो गया ये माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। अब 0 रखिए तो ई पावर 0 1, यहाँ पर 0 रखा 0 और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो ये जाएगा e पावर पाई प्लस 1 अपॉन 2। ऐसे क्वेश्चन छूट गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम वो होगा, अफसोस कि यार ये सिंपल क्वेश्चन क्यों छूटे हैं। e पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, यही चीज है, देखो आपने पूछा ना मुझसे भी कैसे आया, क्या होता है e पावर ए एक्स साइन बी एक्स का फॉर्मूला e पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब चीजें एकदम ब्रेन में होना चाहिए, a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अगर फॉर्मूले क्लियर होंगे तो ही तो स्पीड बनेगी आपकी, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं अदरवाइज ये छूट जाएंगे, इसलिए बीच में जो जो टू टू स्टेप्स भी ले रहा था, क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं 50 प्लस कर लिया नहीं, एक डेढ़ घंटा निकल चुका होगा, अब ऐसे में ऐसा ना हो 120 क्वेश्चन तक रीच ना कर पाए, तो जिनमें भी 2-3 स्टेप्स लग रही मैंने अभी उनको भी स्किप कर दिया कि हम पेपर के एंड तक तो पहुंचे। अब देखो ये क्या है 1 to E XLNX क्वेश्चन नंबर 81, राइट, पर 80 भी बहुत ईजी है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी एक्स टेंस टू 3 पे लिमिट पूछी है, एक स्टेप में हो जाएगा एलोस्पिटल से 2x अपॉन 2x माइनस 2, एक्स की जगह 3 रख दो, 6 अपॉन 6 माइनस 2 कितना 4, तो 3/2 इज द राइट आंसर। मतलब मैंने भले ही ये लिखा था पर एकदम देखा वो छूट ना जाए, एल हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन है लिमिट का, ये चीजें ध्यान रखनी है। और इतनी प्रैक्टिस जो करवाई है आपको वो इसलिए करवाई कि आप बिल्कुल एकदम डिसीजन ले लें। अब ये बाय पार्ट से होगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड क्या होगा बोलो, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर बाय 2, राइट, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इनटू एक्स स्क्वायर बाय 2, ये कैंसिल, फिर बचा x, तो एक्स स्क्वायर बाय लॉजिक से देखें तो 4, अब रख दो e, log e कितना 1, e स्क्वायर बाय 2 माइनस e स्क्वायर बाय 4, अब 1 रखो 1 पे ये कितना 0 और ये माइनस माइनस प्लस कितना 1/4, क्या आ जाएगा ये 2e स्क्वायर हो जाएगा, तो e स्क्वायर प्लस 1/4 ये आ गया देखिए आंसर। इसलिए आपसे कहीं पे भी ऐसा ना हो कि टफ क्वेश्चन के चक्कर में इजी छूट जाए। फिर जरा देखो 82
जीरो टू रूट टू क्या है, ये कितने अच्छे से बताए हुए, एक्स स्क्वायर है, रूट टू रखोगे तो टू मिलेगा, तो जीरो इंटीजर दो इसको, जीरो वन एंड लास्ट इज रूट टू, जीरो से बाद में नेचर जीरो, इसमें नेचर वन, तो आंसर क्या हो गया, रूट टू माइनस वन। सीधा सीधा यही टेक्निक समझाई है आपको, एक स्टेप में हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 16 साइन थीटा माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। अब आप ऐसा सोचोगे कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता तो वो रख दूं, तो गलत हो जाएगा। क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका, दोनों ही क्या है, साइन है ना, दोनों ही साइन है, तो क्या क्या कर सकते हैं, देखिए 16 साइन थीटा माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा, इसको परफेक्ट स्क्वायरिंग बना लेते हैं। कैसे, 12 बाहर ले लो चाहो तो, माइनस 12 बाहर लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4/3, भाई 12 बाहर लिया तो 12 का डिवाइड किया तो 16/12 मतलब 4/3 माइनस का कितना, साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अलग लिखो तो 2/3 बचा। तो एक तरह से हमें क्या करना चाहिए, 4/9 ऐड और माइनस 4/9 सब्ट्रैक्ट, बस खत्म। ये हो गया माइनस 12, यही तरीका बताया था, साइन थीटा माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, इतना बन गया ये। और ये बोलो माइनस 4/-12 का मल्टीप्लाई करो, माइनस 12 का मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बोलो कितना, 12 × 4/9 माइनस साइन थीटा माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल किससे, 3 से 4 ये 3, 16/3 माइनस, कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब इसकी मिनिमम वैल्यू जब 0 होगी तो ये मैक्सिमम मिलेगा, कितना 16/3, तो इसका आंसर होगा 16/3। गलती से 4 मत लगा देना, लूप होल लगा देंगे 16-12 करके, 16/3 इज द राइट आंसर। परफेक्ट स्क्वायरिंग करा, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 84 क्वेश्चन को देखें हम, तो 84 क्वेश्चन में बोला है f such that r tends to s, आपसे बोला है फंक्शन इज ऑन टू, देन व्हाट इज s, जब भी ऑन टू फंक्शन बोले तो ये कोडोमेन है किसके इक्वल होगी, रेंज के, ऑन टू फंक्शन मैपिंग पढ़ाई थी फंक्शन में, तो इसकी एक्चुअल में 4 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 1, इसकी रेंज बताना है, इसकी रेंज होगी प्लस माइनस 5 प्लस 1, एक बार ऐड करो 6, सब्ट्रैक्ट करो माइनस 4, तो रेंज है माइनस 4 से 6, दिस इज कॉल्ड एस। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन होगा। फिर देखो 85, 1/√x − x, हर नेगेटिव वैल्यू पे डिफाइंड, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो माइनस इंफिनिटी टू 0, ये हो गई डोमेन, ऑप्शन ए करेक्ट। देन 86, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, xdy − ydx = 0, सिंपल, dy/y = dx/x, log y = log x + c, या y/x = c, क्यों, क्योंकि आप लिखोगे log y − log x = c, देन log y/x = c, एंटी लॉग ले लो, ये आ गया। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़ दिए तो बाद में बहुत आपको अफसोस होगा, इसलिए मैंने बिल्कुल समय को देखते हुए करना चाहिए पेपर हमेशा, कि ऐसा ना हो एंड तक पहुंच ही ना पाए। वैसे तो सबसे पहले, क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इसलिए स्टार्ट हो गया, पर सबसे पहले एक बार पेपर पे नजर डालना चाहिए, आखिरी पेज के क्वेश्चन और ज्यादा ईजी है, बहुत ही ईजी है, आप बहुत ईजीली कर लोगे, राइट। फिर व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e^(10x + ln sec x − e^(ln x) एट π/4 रखते हुए डिफ्रेंशिएट करिएगा, e^(10x) का बोलो sec² x + 1/sec x sec x 10x, e^(ln x) / x रख दो π/4, 10π/4 1, तो e sec π/4 रूट 2 का स्क्वायर 2 है ना, तो 2e, यहां पर ये कैंसिल, ये कितना बचा 1 प्लस का, यहां पर रखा कितना π/4, तो माइनस e^(π/4 /
पाई बाई 4। अच्छा e पावर ln x है तो इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, सुनो e पावर ln x एक्चुअल में x होता है। अरे e पावर ln x क्या होता है, एक क्योंकि e पावर log बेस ये देखो क्लिक नहीं कर रहा, ये x तो x का माइनस 1, प्लस माइनस 1 कैंसिल तो बचा 2 ही है। छोटी छोटी चीजों में भी मिस्टेक हो जाती है, कई बार करते करते पकड़ में आ जाएगा आपको। फिर 88 क्वेश्चन इजी है पर हो सकता है टाइम लग जाए थोड़ा सा, एक दो मिनट। इससे अच्छा 89 देखो, व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का पीरियड बोलो 2 पाई। ऐसे क्वेश्चन छूटे तो आपको सबसे ज्यादा अफसोस होने वाला है। फिर 90 इस तरह के क्वेश्चंस की एक ही टेक्निक्स होती है, ई पावर एक्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 2 पावर माइनस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको टी मान लो, ये इसका डिफरेंशिएशन है, सिंगल स्टेप क्वेश्चन, बस माइनस आएगा वो ध्यान रखना है। देन अगला क्वेश्चन है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हो जाएगा पर एक आध स्टेप लग सकती है, बाद में देखिएगा। फिर देखिए माइनस पाई बाई 4, 92 टू पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस टेन एक्स, दोनों ही फंक्शन ऑड हैं, ऑड फंक्शन का आंसर डायरेक्टली माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 4 है, यानी माइनस ए टू प्लस ए वाली प्रॉपर्टी, ऑड फंक्शन तो आंसर विल बी 0। नेक्स्ट अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ए टू बी एक्स क्यूब डी एक्स का वैल्यू दिया 0, ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू दिया 2/3, ये 0 है उसी लिमिट में क्यूब में और ये नॉन जीरो है, मतलब ऑड फंक्शन होगा तो लिमिट क्या होगी, जैसे माइनस 1 से प्लस 1 अपोजिट ले लो, ये 0 माइनस 1 से प्लस 1 मानो तो कितना एक्स क्यूब बाय 3, माइनस 1 टू 1, 1 रखा तो 1/3, माइनस माइनस प्लस 1/3 देन 2/3। ऐसे क्वेश्चन छूट गए तो आपको बहुत तकलीफ होगी, आपको लगेगा यार ये गलत छूट गए, इनको नहीं छोड़ना है और इनको छोड़ने से नुकसान होगा। कर सभी सकते हो पर सभी करने की जगह ये सोचो कि वो अटेम्प्ट ज्यादा हो और वो भी राइट हो। ये देखो एक सिंपल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 94, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स पर, तो इसको डायरेक्ट नहीं लिखोगे 0 to 1 लिमिट वाली प्रॉपर्टी है, ये 1 माइनस एक्स और ये एक्स पावर 9 देन एक्स पावर 10/10 माइनस एक्स पावर 11/11 0 to 1, यानी 1/10 माइनस 1/11 1/110 95 10x अपॉन साइन 2x, x टेंस टू 0 पे डायरेक्ट मैंने बोला था x अपॉन 2x लिखो तो आंसर इज 1/2, आंसर इज 1/2। 96 देखिए जरा क्या क्वेश्चन है, 96 x टेंस टू 0 रेशलाइज कर लो एक ही स्टेप में, ऐसा लिखा है तो रेशलाइज करेंगे तो 2x प्लस 3h माइनस 2x अपॉन 2h इंटू रेशलाइजिंग फैक्टर, डायरेक्ट h की जगह 0 रख दो तो h की जगह 0 रखा तो रूट 2x प्लस रूट 2x, देखिए ये कैंसिल h से h कैंसिल 3/2 और ये बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 रूट एक्स,